वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आप लोगों को पता होगा हमारा प्रोजेक्ट कार वाला जो काम है वो पूरा चल रहा है, लेकिन मीनवाइल कुछ बीच में और कंटेंट था जिसके बारे में वीडियो ले आया था। और इवन बीच में जो है हमारे किया सेल्टोस वाला बेस टू टॉप वाला भी आप लोगों ने कंटेंट देखा, काफ़ी सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और जिन भाइयों ने किया था उनको भी काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अभी का क्या अपडेट है, सो आप लोगों को पता होगा कि जो इस बारी एक रेस होने वाली है जिसमें हम लोग पार्ट लेने वाले हैं, गाड़ी जो है उसके लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या किया पहले मैं आप लोगों को वो चेकआउट कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग ट्रैक में जा रहे हो या फिर अगर आप लोग ट्रैक रेसिंग करते हो तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी वर्किंग करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ उसमें ये थी कि गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो हम लोगों को चाहिए थी, तो हम लोगों ने इसको लोअर्ड कर दिया। ठीक है, और लोअर्ड भी मैंने इसको कोबरा सस्पेंशन वाला लोअर्ड इसको किया, जिसकी वजह से अगर आप लोग अब कर्व्स में गाड़ी को काटोगे तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस गाड़ी में मैंने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डाला है। अब आप बोलोगे फुल सिस्टम एग्जॉस्ट का कोई फायदा है कि नहीं है, तो आप लोगों को 2-3% का जो गेन है वो फील हो जाता है, और साथ ही साथ में आपकी गाड़ी जो है फुल सिस्टम लगाने की वजह से थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी अच्छा खासा फर्क देखने को मिलता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गाड़ी जो है वो हम लोगों ने रीमैप किया है, क्वांटम की Stage 2 रीमैप कर दिया। Stage 2 रीमैप करने के लिए आपका फुल सिस्टम होना चाहिए, साथ ही साथ में आपको एयर फिल्टर आप या तो कोनिकल लगाओ या फिर स्टॉक रिप्लेसमेंट लगाओ, हमने कैनन का स्टॉक रिप्लेसमेंट लगाया। तो टिल डेट गाड़ी जो है एक तरीके से पूरी रेडी हो चुकी है रेस में जाने के लिए। अब जीतेंगे हारेंगे ये नहीं पता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है इसके ब्रेक पैड। ठीक है, तो ब्रेक पैड से हम लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। अब इसके जो स्टॉक ब्रेक पैड आते हैं उनमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, और मतलब अगेन अगर आप लोग ट्रैक में गाड़ी चलाओगे तो ब्रेकिंग की थोड़ी सी इशू है, तो ब्रेक्स को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। तो आज उसी का जो है मैं अपग्रेडेशन आपको दिखाने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू कनॉट प्लेस, साइलेंसर हाउस जा रहा हूँ, वही भाई अरेंज करा के दे रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वी आइदर गो फॉर ब्रेम्बो या फिर EBC, इन दोनों का ऑप्शन जो है हमारे पास है, क्योंकि कोरियन गाड़ी होने की वजह से इसका सबसे बड़ा लॉस यही है कि इसमें रोटर्स नहीं मिल पा रहे मेरे को। ठीक है, तो रोटर्स का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, और होप फॉर दी बेस्ट कि सब कुछ कैसा रहता है। अभी हम लोग चलते हैं साइलेंसर हाउस एंड आप लोगों से और बातचीत करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं साइलेंसर हाउस, और मीनवाइल जो है आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बढ़िया सा रिव्यू दिलवाते हैं। गाड़ी हमारे पास जो है पंजाब से आई हुई है, और अभी इसकी आवाज़ सुनाएंगे पहले जो भैया रिव्यू देंगे। कौन देंगे भैया रिव्यू, आप देंगे? भाजी दे देंगे, भाजी होनी देंगे रिव्यू। भाजी कैसा लगा? भाजी भाई बहुत बढ़िया लगा। आवाज कैसी आई है निकल के? भाई बहुत बढ़िया भाई, कैंट आवाज आई है, कैंट आवाज। और ऑप्शन बैंक डाले इसमें? हां, पूरा Stage 2 तैयार है गाड़ी। अच्छा, Stage 2 रीमैप कर दिया, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट? फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, Stage 2 रीमैप, पीछे वॉल्वेट्रॉनिक एंड कैन है, लेकिन बीच में हमारा कस्टमाइज रेजोनेटर है। ठीक है, तो भाई एक बार विदाउट और आपको विद वाली आवाज भी सुना देते। ठीक है, ये आप लोगों की ये ऑफ है, ये ऑफ हो रखे देखो अभी। वैसे देखो अब आवाज स्टॉक में और दोनों का रिस्पॉन्स आपने सुन लिया, तो भाई भाई लोगों का रिस्पॉन्स मिल गया, और अब हम लोग जो है जिस काम के लाए वो आप लोगों को बता। अब हम लोग जो है अंदर की तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को गुरजोत ने रिकमेंड करी थी कि हाँ ये चीज़ें जो है अगर आप पहली रेस के लिए जा रहे हो तो ये आप चीज़ें करवा सकते हो, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग को गाड़ी का गेटअप भी चाहिए था, लुक भी चाहिए था, साथ में परफॉर्मेंस भी चाहिए थी, और हम एटलीस्ट ऐसा हो सके कि भाई अगर हम लोग लास्ट भी आए तो हमारी गाड़ी में सब कुछ हुआ होना चाहिए। ठीक है, सीखना लाइफ में एक प्रोसेस है भाई, जीत और हार तो लगी रहती है, वैसे जीतना ही चाहिए हारना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या मतलब जो मैं ब्रेकिंग के रिलेटेड को बता रहा था प्रॉब्लम, ब्रेम्बो और वो चॉइसेस बताए थे लोगों को मैंने, डिक्सेल और इसके बीच में हम लोग चॉइस रखेंगे। डिक्सेल जो है वो उसके लिए आता नहीं है। अच्छा, क्योंकि कोरियन कार्स के लिए नहीं बनता, इतना ज्यादा नहीं है कोई ऑप्शन। ठीक है, तो ब्रेम्बो के आते हैं। तो इसमें ओरिजिनल और फेक का कैसे पता चलता है भाई? यार ये देखो, हम तो गारंटी देते हैं प्रॉपर ओरिजिनल होगा, और आपको बिल चाहिए तो बिल के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर आप देख सकते हो QR कोड है इसके अंदर। हाँ, मेन चलो ये वाला तो कॉपी हो सकता है, लेकिन ये वाला मेरे हिसाब से तो नहीं होगा कॉपी। ठीक है, लेकिन दिखा देते हैं। मार्केट में है ऐसा कुछ की कॉपी चल रहा है? कॉपी ब्रेम्बो के बहुत है, बहुत ज्यादा है मेरे को ऐसा लगता है ना, जैसे आपने नॉर्मल स्कैन कोड से उठाया ये उठा लिया। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेम्बो पार्ट्स आ गया .com। ठीक है, द कोड इज वैलिड फॉर ब्रेम्बो ब्रेक पैड्स। अच्छा, कोड भी आ गया, सीरियल नंबर भी आ गया। ये भाई एक प्लस पॉइंट है। हाँ, ये प्लस पॉइंट अगर आप कहीं और से भी लो, कहीं से भी लो, लेकिन ये होना चाहिए ओरिजिनल। अच्छा, रोटर्स का भी हम लोग सोच रहे थे, रोटर्स नहीं मिल पाए। रोटर्स अभी नहीं मिल पाए क्योंकि जो ब्रेम्बो का नया लॉट जो भी है स्टॉक है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी वो आ रहा है, मार्च एंड तक हो सकता है। तो डिफरेंस कितना फील होगा इन पैड्स को डालने के बाद? ये बेसिकली आप जब अब तो आपके खत्म भी है पैड्स, जब आप उसको हार्ड ब्रेकिंग करते हो वो एक अजीब सी वाइब्रेशन से और गर गर साउंड आती है। करेक्ट, वो इससे नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ब्रेकिंग जो है ब्रेकिंग इम्प्रूव होगी। होगी इम्प्रूव, कितने परसेंट तक उम्मीद कर सकते हैं? आराम से
20-30% तो आपको अभी लगा बहुत होता है, 20-30% भी बहुत होता है इंडियन रोड्स के हिसाब से। एक बार तो ऐसा भी होता है गाड़ी ना ब्रेकिंग सही से ले नहीं पा रही थी कई कई बार ना, तो थोड़ा एक दो बारी तो हम लोग बैक लेते हैं, हम लोगों ने वो चीज ऑब्जर्व करी है। इसके एक बार अनबॉक्सिंग कर देते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। यहीं से जो है भाई आपको काट के दिखा देंगे, पेन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा हट जाओ सामने से लाइट आने दो, ठीक है। तो देयर यू गो, तो इसका एक बार निकाल के खा दो कैसे क्या होता है। ये क्लिप्स हैं, ठीक है, ये क्लिप्स होती है, ठीक है। और ये हर गाड़ी का अलग से आता है कैसे क्या अलग है? हर गाड़ी के अलग। अच्छा, मतलब कुछ यूनिवर्सल पैड्स नहीं है? नहीं, यूनिवर्सल नहीं है। बेसिकली जैसे ये हुंडई i20 वरना क्रेटा, इनके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। वैसे सबके हर गाड़ी के अलग होते हैं। तो भाई दिस इज हाउ द पैड लुक्स लाइक। अब सारे के सारे पैड्स दिखाऊंगा, एक आप लोगों ने चेकआउट कर लिया, पूरी पैकेजिंग के अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो दिखा दे पहले। इसके अंदर एक ये आता है लुब्रिकेंट, ठीक है, ये लुब्रिकेंट ब्रेक करते होते हैं। ये हम लोग अभी अपनी गाड़ी में लगा लेंगे, बाकी थोड़ा सा जो भी पैम्पलेट पेपर वर्क जो भी है। चलो बढ़िया है, तो आई गेस आप लोगों को जो है इसका एक आइडिया तो मिल गया इसके बारे में, और जैसा जो होगा आप लोगों को दिखाएंगे। अब तो हम लोग जो है हमारे मेन प्रोसेस की तरफ आ चुके हैं, जहां पर हम लोगों का टायर जो है वो उतारा जा रहा है, ठीक है। वो उतार दो भैया, तो भैया जो है वो टायर उतार रहे हैं। और हम लोगों ने जो है इसके अंदर एंटी थेफ वाले नट्स लगा रखे, तो उसकी अलग से गोटी आती है जिससे ये खुलता है। अभी आपको मैं ब्रेक पैड्स की हालत भी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आई गेस मेरे को लगता है मोटी मोटी बात अगर मैं खत्म हो गए हैं भाई, 2 साल से चेंज नहीं हुआ मुझे ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लग रहा है पता। अगर 2 साल की बात है तो ये हो सकता है कि खत्म ना हो, लेकिन ये ना ब्रेक पैड क्या होता है, ये हार्ड हो जाते हैं। हार्ड हो जाते हैं तो उस वजह से वो उसका लेदर होता है वो हार्ड हो जाता है, उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। अभी तो हमें बीच में ऐसा लग रहा था इसमें ब्रेक लगी नहीं रहे, हमें चला के देखी थी गाड़ी तो बीच में ब्रेक लगी नहीं रहता ऐसा लग रहा था कुछ। बाकी मेरा भाई जो है निकाल के दिखाएगा, ठीक है। तो आपका कैलिबर का जो लुक है वो यहाँ पर है, और आप लोगों की जो आप लोगों को याद होगा हमने लुवर्ड लगाई थी, ठीक है। तो लुवर्ड स्प्रिंग का भी रिस्पांस बढ़िया चल रहा है, रेस में मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जो है थोड़ा सा अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। और इसको भी मेरे को लगता है रेक मार से थोड़ा घिसना पड़ेगा, थोड़ा सा अभी घिस देते हैं। ये देखो अभी पूरे अच्छी तरह कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा डिस्क जो ना पैड है ना, ये तो मुझे लग रहा है तो पतला हो गया या कुछ ऐसा। नहीं पतला तो इतना नहीं है, जब गाड़ी चली नहीं तो क्या पता होगा। सही बात है, अभी मुश्किल से मेरे को लगता है 30-32 हज़ार किलोमीटर चली होगी गाड़ी, बस एक बार इसको भी साफ भी आपके यहाँ पर हमारे जो डिस्क पैड है वो हमने खोल दिया, ठीक है। गुरजोत आ जाओ, तो यहाँ पर जो हमारे डिस्क पैड है वो क्या निकल के आते हैं पहले एक बार भैया कंडीशन बताओ जरा लेदर की। सही है, हार्ड हो गए बहुत, हार्ड हो गए ना। हाँ, तो अब ये यूज है करने के लायक है ना? ब्रेक नहीं लगेंगे, ब्रेक कम लग रहे, बहुत कम लग रहे ना, तो इस कंडीशन में ये कुछ बाहर निकलता है। देख तो ये भी बहुत टाइट होगा ना, हार्ड है सर ना। और जबकि ये लेदर जो है ये बिल्कुल कमजोर होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ब्रेक मार तो दबे इसके, तो इसलिए ब्रेक जो हमारी लगने की। आकृति आ जा, दिखा देते कैसे क्या होता है। तो ये हमारे डिस्क पैड है जो कि हार्ड हो गए, मतलब इसमें जो रबर होता है वो ग्रिप तभी बनाता है, भैया कह रहे इसलिए आपकी ग्रिप नहीं बन गई। तो भाई यही है, टाइम टू टाइम आपको डिस्क पैड जो है चेंज कराने चाहिए। तो गुरजोत एक बार ला के दिखा दे भाई डिस्क पैड, अभी आपके सामने डिफरेंस भी दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक ब्रांडेड मतलब ऑल दो ये OEM ही है, लेकिन अभी देख कितनी कंडीशन में, देख कैसे है ना। हाँ ये बिल्कुल टाइट हो रखा है, और ये आप लोगों का OEM वाला है, और ये वाला आपका ब्रांडेड है। ब्रांडेड का मतलब ये होता है जो आप लोगों को इंटरनेशनल जो ब्रांड है वो जब आप लोग लगाते हो, तो एक बार आप रख के दिखा दो उसको नीचे इसके साथ में, ठीक है। एक बार दिखा दो इसमें भी एक बार कितना, तो भैया हार्डनेस का पता कैसे चलता है? इसके हाथ लगा होगा ना, इसे पता चलता है डिफरेंस पता चलेगा। अच्छा, और ये काफ़ी स्मूथ हो गया है सर इसकी वजह से। चलो भाई ठीक है, इसकी एक बार इंस्टॉलेशन करके दिखा दो। और ये भी आप लोगों का सीधे प्लग एंड प्ले है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे डायरेक्ट करना है। साथ एक लुब्रिकेशन वाली चीज़ आती है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है ये? कहीं ये बेसिकली ग्रीस है, मतलब कोई भी नट टाइट करें या जैसे हमने खोला वापस उसको टाइट करेंगे तो एक बार ल्यूब कर दे ताकि अच्छे से टाइट हो जाए, ठीक है। तो भाई ये हमारा पहला वाला इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब बाकी का जैसे होता है आपको दिखाते हैं। लोगों ने जो है ना अपनी गाड़ी के मतलब जो डिस्क पैड है वो तो चेंज कर दिया, लेकिन हमने रोटर में जो है रेगमार नहीं मारा। क्यों नहीं मारा भैया रेगमार? जरूरत थी इसमें? जरूरत नहीं थी, सही थी। जरूरत कब पड़ती है रेगमार मारने की? जब कट जाते हैं, जब ये मतलब ज्यादा लाइनें आ जाती है जब। हाँ। तो अभी बिल्कुल साफ ही था। हाँ, ये साफ लाइनें आती है ना, चाहे कट लगवाना पड़ रही है तो चेंज करवाने पड़ते हैं। तो फिर उसको आपको जो है खरादी के पास भेज के उसको पलटवाना होता है, कुछ ऐसा बोलते हैं ना उसमें, कटवाना पड़ता है। तो अभी इस तरफ का तो ओके निकला है, दूसरी तरफ में देखते हैं कैसे क्या आता है। इस दूसरे साइड से भी ओपन करने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें एक नट नीचे की तरफ से ढीला होता है ना भैया इसमें, और इसके बाद मैं आप लोगों को बकायदा परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा कि मैं जब गाड़ी चला रहा हूं तब क्या डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। देख लो आप लोग भाई, ये टाइम थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट लगते हैं सब काम होने में। और हमारे टायर की भी अभी भैया टायर की हालत कैसी है और बताना।
टायर तो अभी सही है, टायर ठीक है अभी थोड़ा, ये भी सूख से गए ये ना चलने की वजह से, लेकिन टायर में ग्रिप ग्रिप अभी बिल्कुल ओके है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये हमारे हट गए भैया, यहाँ से हमें निकाल के दिखाएंगे इनकी क्या हालत है। यही क्लिप आती है जो इसके साथ क्लिप आती है वो इसके साथ लग नहीं पाती है, जो ओरिजिनल वाली इसके साथ लगी, देखना भाई इसकी हालत, इसके भी वही है जो सेम ही हालत हो रखी है भाई, देख सकते हो आप। और ये भी हमारी जो रोटर्स है एब्सोल्युटली फाइन है भाई ये भी ना। तो अगर ये बाई चांस आप लोगों की क्लिप सही से लगती तो ब्रेक मारने में बहुत गंदी आवाज आती है ना भैया, जो कर करके आवाज आती है, हां ब्रेक मारने पे भी और से चलने करने चलने भी में चलने में भी आ जाएगी, रनिंग पे भी आवाज आती है। देखो भाई आप लोग ये आपने इधर लगाया, इसके साथ जो आता है वो है हमारे पे इधर, इसके साथ भी एक क्लिप आती है ना। हाँ वो तो अंदर पड़ी, वो अंदर पड़ी है, वो लगती नहीं है इसके साथ, इसके साथ लाती नहीं, वो नहीं आती ना, वो ओरिजिनली लगाना पड़ता है, ओरिजिनल लगाना पड़ेगा। गाइज शूट जो है वो दिन में किया था, लेकिन थोड़ा सा जो है आज गाड़ी ज़्यादा चल गई है, और चलने के बाद हम थोड़ा आज घूम भी रहे थे, तो ब्रेक टेस्टिंग भी हो गई। और अगर आप लोग रिस्पॉन्स वाइज बात करते हो, जो मैंने पहले लगा रखा था और जो मैंने अब लगाया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहले मेरे ब्रेक्स लगे रहे थे और उनकी आपने हालत देखी थी, ठीक है। तो ऑल दो इस वीडियो की जो एंडिंग है वो मैंने दिन में शूट कर ली थी क्योंकि मैं गुरजोत के पास से निकल गया था, लेकिन स्टिल मैंने बोला था कि भाई रात का रिस्पॉन्स जरूर डालूंगा, अब ऐसे ब्रेक मार के दिखाऊंगा तो जस्टिस नहीं हो सकता, लेकिन मेरे अगर आप शब्दों के ऊपर यकीन करें या फिर क्वालिटी के ऊपर यकीन करें तो भाई ब्रैम्बो एक रिनॉन्ड ब्रांड है और मेरे को अपग्रेडेशन मिल चुका है, मेरी गाड़ी रेडी हो चुकी है। ऑल दो अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब वो विनाइल वाला रैप वाला जो स्टिकर होते हैं वो भी लगाना रह रहा है, क्या लगाना रह रहा है वो आप लोगों को दिखाएंगे। और आई होप कि भाई मेरी ये पूरी इंस्टॉलेशन आप लोगों को समझ आई होगी, ये जो मेरी प्रोजेक्ट कार है इसको मैंने जितने अच्छे तरीके से मैंने तैयार कर सकता था मैंने कर दिया। बाकी रेस के लिए ये सीट का भी सीन बोल रहे थे कि इसके लिए भी आप लोगों को जो है स्पार्को वाली जो ओरिजिनल सीट्स होती है जिसमें आप लोगों की एक्सपायरी होती है वो वाला इंस्टॉल करना पड़ता, लेकिन जब मैंने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन उनसे पूछे तो उन्होंने मेरे को कहा कि हाँ आप इस नॉर्मल में भी चला सकते हो। सो होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छा, और दिल्ली में गर्मी होने लगी है भाई, बहुत मोटी जैकेट पहनी हुई है। और बस आज के लिए इतना ही है, इंजॉयमेंट फुल पावर है, आप भी जरूर ब्रैम्बो को ले जा सकते हैं। अगर आप लोगों को रोटर्स मिल जाए तो सोने में सुहागा है, मुझे रोटर्स नहीं मिल पाए, रोटर्स और ब्रेक पैड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो वाला आप लगवाना, मेरे लिए नहीं तो ऑप्शन। और बाकी चलते हैं गुरजोत के पास और वहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, पहले हो चुकी है मतलब। सो गाइस भाई ने जो है मेरी गाड़ी में जो है सब चीज़ें तैयार कर दी है रेस के अकॉर्डिंग, और सबसे ज़रूरी चीज़ ब्रेक पैड थे और आप लोगों का एयर फिल्टर था और फुल एग्जॉस्ट सिस्टम था, तो ये तीनों चीज़ें जो है हमारी गाड़ी में फुली लोडेड हो चुकी। इस्यू रही मैम सबसे मेजर चीज़, सॉरी ये तो हम बताना भूल गए, ठीक है। तो जितने भी लोगों के पास Hyundai i20 पेट्रोल है और वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं भाई यूजली है कि भैया क्या ECU का रीमैप कराने का वारंटी वाइड होती है? देखो वारंटी का ऐसा कोई नहीं है क्योंकि ये गाड़ी काफी पुरानी हो चुकी है सबकी, जो होगी तो मतलब अगर कोई वारंटी में तो उनको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, लेकिन एक ये मेन चीज है कि इस कार के अंदर जैसे जो भी नॉन टर्बो कार्स हैं हम उनको रीमैप करें तो गेन सिर्फ आपको 6-7% ही मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं होगा कि आप लगा रहे हो बहुत मेजर आ रहा है। हाँ हमने ऐसे आज सुबह जो हमने पोलो दिखाई थी वो नॉर्मल, बस नॉर्मल मूड से आए कि कैटबैक लगाएंगे सेटअप कुछ भी नहीं, लेकिन जब वो मेरी गाड़ी में बैठे की बोलते कि हाँ बढ़िया है हमें ऐसे सेम अकॉर्ड चाहिए, तो टर्बो वाली गाड़ियों में रीमैप का 28% गेन है, आप वो करवा सकते हो। ये भाई ने क्लियरली बता दी, अब वारंटी वॉइड होती है नहीं होती है इसका जवाब भाई ने आपको इनडायरेक्टली, मतलब डिपेंड करता है कि हाँ कौन सी गाड़ी, अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली होगी, अगर पुरानी होगी तो नहीं होगी, ठीक है ना भाई। तो वारंटी पुरानी वाली गाड़ियों की बस्ती का ठीक है। बाकी ये काम जितना भी हुआ है ये साइलेंसर हाउस के अंदर हुआ है, तो आप लोगों को गुरजोत और अंकल जी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, और बड़ा जबरदस्त काम है भाई, मतलब अगर आप लोग कभी भी काम कराने के लिए आ रहे हो तो फुल डेडिकेशन के साथ आप लोगों को काम करता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ों का ऑप्शन है, आप लोग एग्जॉस्ट अपग्रेड चाहो करा सकते हो, आप लोग अगर क्या बोलते हैं आप लोग लोअरिंग स्प्रिंग्स लगाना चाहो, सस्पेंशन से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहो, ब्रेक से रिलेटेड चाहो, एयर फिल्टर से रिलेटेड चाहो, तो पूरा जो परफॉर्मेंस का कहते हैं ना कि वन स्टॉप जो है वो आप लोगों को भाई के पास मिल जाता है। ना कि न्यू थार के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पेट्रोल की गाड़ी में वो टिप पीछे से इतना बड़ा सा वो निकल रहा है, उसको यार सब लोग बड़े परेशान है, कह रहे भैया पीछे से मोटर कांसेप्ट वाले भैया की भेजी थी हम लोगों ने, तो हमने देखा था कि यार वो पीछे से बड़ा ऑड लग रहा था, और हमने गाड़ी जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल भेजी थी, और उस गाड़ी में आप लोग मतलब अगर लुक देखोगे बड़ा मजेदार बना रखा है, और पर्सनली जो कस्टमर थे वो भी बहुत खुश थे कि यार मेरी गाड़ी ऐसी बनी। तो पेट्रोल गाड़ी जिन महिंद्रा जिनके पास है और जो चाहते हैं वो पीछे टिप ना दिखे, फॉर श्योर आप लोग वो जो है मॉड करा सकते हो, जो आवाज़ तो नहीं बढ़ती है
5% मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ मैंने करवाया तो वर्थ है। हाँ वाली फील आएगी। ठीक है भाई, तो अगर आप में से कोई भी आना चाहे तो आप लोग साइलेंसर हाउस आ सकते हो, हाईली रिकमेंडेड बाय मुसाफिर। अगर आप लोग एग्जॉस्ट से रिलेटेड कुछ भी काम चाहते हो तो भाई आप लोगों को ए टू जेड मतलब आप जो चाहो ऐसा हो जाएगा। भैया हमने पीछे ढोलकी लगानी है, हमने बीच में रेजोनेटर लगाना है, हमने फुल सिस्टम करना है, सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। गुरजोत का नंबर जो है वो नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगेन अगर आप लोग पर्सनली चाहो तो सीपी में एक बहुत अच्छी लोकेशन में लोकेटेड है, तो आप लोग आके भी जो है अपनी क्वेरीज के बारे में पूछ सकते हो। और मोस्ट प्रॉब्ली जब आप लोग आओगे तो आप लगा के जाओगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ हो रही होती है तो आपके मन जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करके प्यार मोहब्बत बनाइए। इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर अटक ग्यारह। अपना क्या इंस्टाग्राम है? साइलेंसर हाउस के नाम से जो है इंस्टाग्राम है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। और गुरजोत जो है वो सारे अपडेट डालता है, मतलब अगर आज कोई भी गाड़ी कर रहे हैं थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन स्टोरी चलती है, तो अगर आप लोग अपनी गाड़ी भी फीचर कराना चाहो तो आपको पोस्ट के थ्रू जो है आपकी गाड़ी जो है लोगों को दिख सकती है। सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर 20th वाले दिन, जो मतलब रेस फॉर इंडिया होने वाला 20 तारीख को है ना? हाँ 20 तारीख को है, तो भाई उधर गाड़ी चलाएंगे, हमारा भी पहला टाइम होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गुरजोत थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस करवा देगा हमको गाड़ी कैसे निकालनी होती है, कैसे चलानी होती है, तो होप्स हो कि आप लोग भी जो है उसको ज्वाइन कर पाएंगे। एक बार इवेंट देखो, नेक्स्ट इवेंट आपका खुद का मन करे, मैं कोशिश करूंगा अगर 20 से पहले हम एक वीडियो लेके आ सके गुरजोत और मैं, जिसमें अगर जो ऑर्गेनाइजर है और वो जो सब लोग हैं उनसे मैं आपको मिलवा सकता हूं। क्या कहते हो? मतलब देखना पड़ेगा, वो बिजी ना हो तो, क्योंकि अब इवेंट आए गया है संडे, करते हैं प्लान, करते हैं बन पाएगा तो कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। नॉलेज तो लोगों तक पहुंच जाए मैं ये चाहता हूं मैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एक बार ऐसे करो।